नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT PGT लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, वेटिंग लिस्ट TGT PGT NESTS टीचर्स भर्ती न्यूज़, 38,480 टीचर्स भर्ती न्यूज़, प्राइमरी विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश, UPSSC न्यूज़ टुडे, जानिए सब कुछ इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। NESTS यानी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति में वैकेंसी आई हैं, अलग अलग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पोस्ट है, ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आदि। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक और फिजिकल आदि टीचर की वैकेंसी आप देख रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। EMRS रिक्रूटमेंट 2023 फोर 38,480 पोस्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निकली भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है। इसमें दी जानकारी के मुताबिक EMRS में बम्पर भर्ती यानी 38,480 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। स्कूल में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर है। हालांकि रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, पर कुछ समय में ही अप्लाई किया जाएगा। पदों का विवरण इन प्रकार है: प्रधानाचार्य, वाइस प्रिंसिपल, PGT, पोस्ट ग्रेजुएट TGT, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा आदि अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की छुट्टी कुल जो है 27 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 27 दिन के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खुलेंगे। आयोग ने नहीं दिया ओवर एज अभ्यर्थियों का टाटा फंसी भर्ती। UPSSC की ओर से UPSSC भेजा जाना है अभ्यर्थियों का डाटा। कृषि प्राविधिक सहायक के 3466 पदों पर भर्ती के लिए तैयार है विज्ञापन। बिना PET के परीक्षा में शामिल होने ओवर एज अभ्यर्थी होंगे शामिल। प्यारे अभ्यर्थियों, TGT और PGT 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को अभी और कुछ इंतज़ार करना होगा। जैसे ही इसके लिए उपयुक्त तिथि घोषित होगी, हम अपनी वीडियो में उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।